Hey guys, what's up? Welcome back to Basilia. तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी बेसिक कॉर्ड्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो इन रिदम की हेल्प से। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हमारी कॉर्ड्स को सुन के देखते हैं बीट्स के साथ। तो ये कॉर्ड्स डिसेंट लग रही है, बट हम इसमें रिदम का स्पाइस ऐड कर सकते हैं, इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी ये कॉर्ड्स। तो अभी हमने पियानो रोल खोल लिया और आप देख सकते हो हमारी सारी कॉर्ड्स एकदम बार टू बार आ रही है, जिसकी वजह से कॉर्ड्स काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल या फिर बोरिंग बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कॉर्ड्स के अंदर थोड़ा स्पाइस ऐड कर सकते हैं कि हम इन कॉर्ड्स को बार पे ना लगा के थोड़ा बीट पे शिफ्ट करते हैं, फिर बार से थोड़ा ऑफ को ले जाएं, जिससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी ये कॉर्ड्स। तो इसके लिए हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं। आप देख सकते हो हमने ग्रिड पे गए और हमने बीट चूज कर लिया और हमने यहाँ पे दो नोट्स ऐड कर दिए। इस बार के अंदर हमने यहाँ पे तीन नोट्स ऐड कर दिए। तो ये हमने इसलिए ऐड करें ताकि आपको गाइड कर पाए, कुछ नोट प्ले नहीं करने वाले। पहली कॉर्ड की लेंथ को हम शॉर्ट कर सकते हैं इस नोट के हिसाब से, और क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो हम इस कॉर्ड को पिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये था हमारा पहला कॉम्बिनेशन। और जो दूसरी चीज आप कर सकते हो, ये कर सकते हो कि आप सेकंड कॉर्ड का लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दो और उसको यहां पर रख दो इस नोट के हिसाब से, और इसको कर दो लंबा। तो आप देख सकते हो जैसे हम इसको बार से थोड़ा ऑफ पे लेके जा रहे हैं बीट की तरफ, हमारी फोर्थ बीट या थर्ड बीट की तरफ, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और एक और चीज है, अगर आप अपनी कॉर्ड को इतना छोटा कर देते हो तो देखो क्या होगा, एकदम से वो झटके से आएगा, तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप देखोगे हमने इसको थर्ड और फोर्थ पे रखा है, जिससे कि कॉर्ड को थोड़ा चांस भी मिले प्ले होने का स्टार्टिंग में। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड कॉर्ड की लेंथ को शॉर्ट करते हैं कुछ इस तरह। बट जब हमने ट्राई करा कि हमारी सेकंड कॉर्ड को हम बहुत शॉर्ट कर दे, तो वो बुरा नहीं लग रहा था। आप सुन के देख सकते हो यहाँ पर। तो आप कोशिश कर सकते हो कि जो आपकी पहली कॉर्ड है उसको आप इतना छोटा मत करो, बट अपनी सेकंड कॉर्ड्स को आप छोटा कर सकते हो। और यही नहीं, आप इसको पहले सेक्शन में करोगे, यही सेम चीज आपने दूसरे सेक्शन में भी कर सकते हो। तो जल्दी से करके देखते हैं एक बारी। तो ये देख सकते हैं आप, बेसिक से काफी ज्यादा तगड़ा हो गया और अनप्रिडिक्टेबल के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। और अब इसी को चेंज करते हैं दूसरे लेवल पे और देखते हैं उससे क्या बनता है। तो हम लेवल टू में क्या कर सकते हैं कि हम इसी चार कॉर्ड्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा कॉर्ड ऐड करते हैं, जिससे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी जो हमारा कॉर्ड पैटर्न बना है उसके हिसाब से हमारे पास पहली कॉर्ड है और जो सेकंड कॉर्ड है उसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेकंड कॉर्ड की को छोटा कर दें और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत स्पेस दिखाई देगा जहाँ पे हम एक और एक्स्ट्रा कॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और हमारे स्केल के अंदर मल्टीपल कॉर्ड्स आती हैं और हमने अभी सिर्फ और सिर्फ चार कॉर्ड्स यूज करी हुई है, तो मे बी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉर्ड ऐड करते हैं। तो ये रूट नोट हमें काफी सही लगी, हमने एफ शार्प ऐड करा है, तो हम एफ शार्प की कॉर्ड ऐड कर सकते हैं जो हमारे स्केल के अंदर आती हो। तो इसके अंदर अब हमने एफ शार्प मेजर कॉर्ड ऐड कर दिया और उसमें एडेड हमने सिक्स्थ कर दिया। और इसको अगर आप सुनोगे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हमारे कॉर्ड पैटर्न में चार कॉर्ड्स नहीं है, पांच कॉर्ड्स हैं। तो अभी तक आप लोग सिर्फ चार कॉर्ड तक सीमित थे, अब आप लोग क्या कर सकते हो, तीन कॉर्ड में भी गाना बना सकते हो, चार में भी, पांच में भी और छह में भी। तो जल्दी से ट्राई करते हैं, सिर्फ पांच की जगह छह कॉर्ड ट्राई करते हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने कोई और नई कॉर्ड ऐड नहीं करी, जो हमारी फोर्थ कॉर्ड थी हमने उसी को दोबारा प्ले करा और थोड़े से उसमें वेरिएशन ऐड कर दिए। तो जरूरी नहीं है कि आप चार कॉर्ड बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप तीन कॉर्ड बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप सात या आठ कॉर्ड बनाओ, ये डिपेंड करता है आपके गाने और आपकी फील के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगेगी और समझ आएगा कैसे आप अपनी कॉर्ड्स को स्पाइस अप कर सकते हो। और एक और चीज करनी होती है स्पाइसी कॉर्ड्स बनाने के लिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको ठोक के ग्रे कर दो। तो जल्दी से लाल बटन को ठोक दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो और बताओ वीडियो कैसी लगी। और एक और चीज करनी होती है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, हमारी वेबसाइट आ रही होगी basilia.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।